आदाब दोस्तों, स्वतंत्र कला के फनकार में मैं प्रीति शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि आज मैं जिस शायर से आपका तारुफ कराने वाली हूँ वो कट्टर पंथ के खिलाफ थे। कट्टरवाद का उन्होंने खुलकर विरोध किया, वो थे निदा फाजली साहब। निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ था। इन्होंने अपनी तालीम ग्वालियर से हासिल की। निदा फाजली 1964 में मुंबई आए। उनकी काव्य शैली ने हिंदी व उर्दू के लेखकों और फिल्म निर्माताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। उन दिनों निर्देशक कमाल अमरोही फिल्म रजिया सुल्तान बना रहे थे। उन्होंने इन्हें अपनी फिल्म में 2 गाने लिखने के लिए दिए और इस तरीके से इन्होंने हिंदी फिल्मों में गाने लिखने शुरू कर दिए। इन्होंने कई हिंदी फिल्मों में अपने सुपरहिट गाने दिए हैं, जैसे कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, चुप तुम रहो चुप हम रहें, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। इसके अलावा इन्होंने दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, ऐसी ऐसी खूबसूरत गज़लें निदा फाजली साहब ने ही लिखी हैं। इसके अलावा इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, बॉलीवुड मूवी पुरस्कार, स्टार स्क्रीन पुरस्कार, कला संगम पुरस्कार, बिहार उर्दू पुरस्कार, खुसरो पुरस्कार और 2013 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। निदा ने भारतीय लेखन के दरबारीकरण को उजागर किया, जिसमें लोग अपने संपर्कों के आधार पर धनवान और पावरफुल लोगों से सम्मान और पुरस्कार पाते थे। इसका बहुत विरोध भी हुआ और कई लेखकों ने तो निदा का बहिष्कार कर दिया। जिन सम्मेलनों और आयोजनों में निदा को आमंत्रित किया जाता था वहां पर उन लेखकों ने जाने से मना कर दिया। जब वो पाकिस्तान गए तो एक मुशायरे के बाद कट्टरपंथी मुल्लाओं ने उन्हें घेर लिया और उनके लिखे शेर घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, इसके बारे में पूछने लगे कि क्या निदा एक बच्चे को अल्लाह से बड़ा समझते हैं। तो निदा ने इसका जवाब दिया कि मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मस्जिद इंसान के हाथ बनाते हैं, जबकि बच्चे को अल्लाह खुद अपने हाथों से बनाता है। ऐसे उदारवादी विचार रखने वाले निदा फाजली साहब 8 फरवरी 2016 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो ये थे निदा फाजली साहब। कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोग्राम, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई सलाह है, तो वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब मैं सीधा लिए चलती हूँ आपको हमारे सहयोगी अब्दुल कवि के पास। मुझे यानी प्रीति शुक्ला को इजाज़त दीजिए, शपथ है। आदाब दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे तरन्नुम के शायर से मिलाता हूँ जिनको तरन्नुम का बादशाह कहा जाता है। जिस वक्त वो स्टेज पे अपना कलाम पेश करते हैं, लोग बड़े गौर से उनकी शायरी को, उनके कलाम को और उनके तरन्नुम को राज़े तहसीन पेश करते हैं। ज़्यादा बात न करते हुए आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब शबनम सीतापुरी साहब से। हम उनका कलाम सुनेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने शायरी कब से शुरू की और कब से आपको लगा कि आप शायर बन सकते हैं और किस शायर से इम्प्रेस होकर आपने शायरी शुरू की? असल में मैं जब सीतापुर से मुंतकिल होकर जिला लखीमपुर में आया और महिंदा महाराज नगर में मैंने सुकूनत अख्तियार की, तो वहाँ पर मेरी मुलाकात मोहतरम जनाब मिर्ज़ा मुश्ताक अली बेग साहब से हुई। मैं एक सीरत पाक के जलसे में एक नात पाक पढ़ रहा था, तो वहीं पर मिर्ज़ा मुश्ताक बेग साहब जो थे उनका मकान था,
और वो मुझसे जो है बहुत ज़्यादा इस मामले में मानूस हुए और बुलाया मुझे अपने घर पे, और घर पे बुलाने के बाद में कि तुमको बहुत अच्छा पढ़ते हो और क्यों ना मेरे पास बैठा करो जो मैं इस लाइन में तुमको ले चलूँ। तो वो ज़माना जो था वो 1978 या 79 का ज़माना था कि मल्ला महाराज नगर में मैं रहा करता था और वो जान साहब का कमरा था जो कमाल साहब के अजीज़ों में थे, कमाल अहमद रिजवी साहब के। बस यहीं से मेरी शुरुआत हुई और सबसे पहली जो गज़ल मैंने पढ़ी वो उनकी सरपरस्ती में पढ़ी और वो मेरे उस्ताद भी हैं, थे और हैं और रहेंगे हमेशा। तेरी याद में दिखाए शबे गम में वो नजारे, तेरी याद में दिखाए तेरी याद ने दिखाए शबे गम में वो नजारे के तमाम रात टूटे मेरी आँख से सितारे के तमाम रात टूटे मेरी आँख से सितारे। और ये दूसरा शेर अर्ज कर रहा हूँ समाज पर मैं रहे रात दिन से सकते रहे उम्र भर तड़पते नज़बान पे नाम लाए वो मेरा हया के मारे नज़बान पे नाम लाए वो मेरा हया के मारे तेरी याद ने दिखाए शबे गम में वो नजारे। शबनम की तरह शबनम की तरह अपना आंसू बहाइए कांटों में रहे के गुल की तरह की तरह
जब भी निगाह पड़ती है चेहरे पे आपके, जब भी निगाह पड़ती है, जब भी चेहरे पे आपके, जी चाहता है आप पे कुर्बान जाए, शबनम की तरह अपना। और ये शेर खास तौर से आप हजरात की नजर करता हूं, हजरात समाप्त फरमाए, इसमें छुपे हुए है हमारी भी जिंदगी, इसमें छुपे हुए है, इसमें छुपे कहने वो आए हैं, लिल्लाह मान जाइए, रुकिए न जाइए, शबनम की तरह अपना। और ये मुझसे तो शेर समाप्त होगा, शबनम कहीं ना आपके कदमों पर गिर पड़े, शबनम कहीं ना आपके, शबनम कहीं ना आपके कदमों मोहब्बत करने वाले
करने वाले इश्क को रुसवा नहीं करते। और ये भी शेर आपके खास तौर से पेश कर रहा हूँ, रात सुना फरमाए कि जो अहले खैर है वो बेगरज इमदाद करते हैं, जो अहले खैर है वो बेगरज इमदाद करते हैं, किसी मुफलिस के उसके हाल को पूछा नहीं करते। तो ये थे जनाब शबनम सीतापुरी साहब। शबनम की तरह आप ना आंसू बहाइए, इल्ज़ाम आपके किए लेता हूँ मैं बुलबुल। उम्मीद है आपको उनका कलाम, उनकी शायरी और उनका तरन्नुम पसंद आया होगा, और आपको मेरे जो प्रोग्राम है स्वतंत्र कला के फनकार, इस प्रोग्राम में अगर आपको कोई खामी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं आप, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया बहुत।